हनी सिंह का सॉन्ग रिलीज हुए 2 दिन से ज्यादा हो चुका है और इस गाने ने 2 दिन में इतने रिकॉर्ड तोड़े हैं कि आप पूछो मत। यह गाना बहुत ही जल्द 50 मिलियन प्लस व्यूज आराम से क्रॉस कर लेगा। यह गाना वर्ल्ड वाइड मोस्ट लाइक सॉन्ग बन चुका है, लेकिन कुछ लोगों को यह गाना अभी भी अच्छा नहीं लगा। आप ये कमेंट पढ़ सकते हो, लेकिन भाई मैं सही बताऊं तो फर्स्ट टाइम मुझे भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन जब 2-3 बार सुना तो बढ़िया लगा। तो गाइस 2 से 3 बार सुनोगे तो अच्छा लगेगा। इसी के साथ पातशाह भाई का एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें वह सोशल मीडिया को लेकर क्या बोल रहे हैं वह आप खुद देख लो। जो मतलब मैंने सीखा है, और अब तो सोशल मीडिया आ गया है जिसने चीज़ें बहुत आसान कर दी है। लोग बहुत नेगेटिव समझते हैं, बट आई थिंक सोशल मीडिया पे लोग आपको बता देते हैं कि आप क्या क्या कर रहे हो, कहाँ ठीक जा रहे हो, कहाँ गलत जा रहे हो। क्या हुआ भाई? हेलो अगेन। सो आई थिंक यू नो यू शुड बी, मतलब रियलिटी में जीना चाहिए इंसान को, मुझे ऐसा लगता है। बढ़ते हैं एक और नई अपडेट्स की ओर। राउंड टू हेल ने रील अपलोड करी है जिसमें उन्होंने अपनी नई वीडियो की झलक दिखाई है। जो भी बना रहे हैं दोस्तों, कुछ तगड़ा ही देखने को मिलेगा। इसी के साथ बिग बॉस 17 स्टार्ट हो चुका है जिसमें हर्ष बेनीवाल, UK07 और मुनावर फारूकी और टीवी एक्ट्रेस भी हैं। और बिग बॉस के पहले एपिसोड में मुनावर फारूकी और UK07 के बीच में कुछ क्लैश देखने को मिला। देखते हैं आगे क्या क्या कलेश होने वाले हैं बिग बॉस के घर में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।